नहीं है। आज हम लोग काजू बर्फी बनाने जाएंगे जो कि स्वाति सिन्हा के द्वारा बनवाया गया है। इसके लिए हमें चाहिए काजू पाउडर 2 कप, चीनी 1 कप, मिल्क पाउडर 1/2 कप और इलायची पाउडर स्वाद अनुसार। ये हम बना रहे हैं 1 तार की चाशनी हमारी काजू कतली के लिए। ये हमने लिया है, ये बेटे जी का हाथ आ रहा है, ये हमने लिया है 1 कप काजू का पाउडर जिसे हमने छान के रखा है, और ये हमने जितना काजू लिया है उसका 1/2 हमने चीनी ली है और उसके भी 1/2 हमने पानी डाला है। और हम इसकी बना रहे हैं 1 तार की चाशनी जिसमें हम अपने काजू के पाउडर को डालेंगे। ये देखिए हमारी ये 1 तार की चाशनी बनकर रेडी है। अब मैं इसमें अपने काजू का पाउडर डाल दूंगी। ये देखिए ये मैंने काजू का पाउडर डाल के इसे मिला लिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तब तक जब तक ये किनारे न छोड़ने लगे। ये देखिए अब हमारा पैन किनारे छोड़ने लगा है, इसका मतलब काजू का पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। इसे मैंने लगभग 5 मिनट कुक किया है। ये देखिए ये अब मैंने गैस बंद कर दी है और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होगा तो हम फिर तब इसे शेप देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये ठंडा होने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड हो गया है बट अभी भी पूरी तरह से हार्ड नहीं हुआ, ये अभी शेप फॉर्म नहीं कर सकता। ठंडा होने पर ये थोड़ा शेप फोल्ड करने लगेगा तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसे हल्का सा ठंडा करके और बर्तन में घी लगी ग्रीस करी हुई प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा आटे की तरह मस लूँगी, हालांकि ये काफ़ी गर्म है अभी बट इसे थोड़ा थोड़ा मस लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए और इस तरह के क्रैक्स ना दिखें इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी चिपक रहा था तो मैंने इसे एक प्लास्टिक शीट पर निकाल लिया और इसे ठंडा करके बेल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर और ठंडा हो जाने देंगे। जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा तो हम इसे शेप देंगे, इसे काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट।